हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे जो 500 सब्सक्राइबर जो होता है उस पर आपको क्या क्या मिलता है। 100 से लेके 500 तक मिलता है, तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है तो हम टोटल ट्यूटोरियल के साथ बताएंगे। तो वीडियो में आपको बने रहना है, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करोगे शायद आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसको हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसमें लाइव दिखाएं जो आप कैसे करते हो, वो भी उसका लिंक भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। नीचे लिंक मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, आप सब वो काम कर सकते हैं। और क्या क्या मिलता है और इसमें क्या क्या करना पड़ता है, इसके लिए प्रोसेस करना पड़ता है, आप सब कुछ ट्यूटोरियल बाय ट्यूटोरियल बताएंगे लाइन बाय लाइन, तो आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, 100 सब्सक्राइबर पर जैसे ही आपका 100 सब्सक्राइबर पूरा होता है तो आपका जो URL जो होता है, आपका जो YouTube का URL होता है, वो आप बदल सकते हैं उसको। और उसको आपको उसको बदलने के लिए आप मिनिमम 100 सब्सक्राइबर आपको रहना ही हो चाहिए, तब जाकर आप URL जो बदल सकते हैं। और देखिए, कस्टम URL आप डालेंगे, वो URL हटाने के बाद आपको जो चैनल का नाम होता है वो URL में आ जाता है। उसको क्रोम से जाके करना पड़ता है, क्रोम से कैसे करना पड़ता है उसका लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और उसका लिंक मिल जाएगा आई बटन, नीचे आई बटन पे मिलेगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और दूसरा जो प्रोसेस, देखिए, आपको 100 सब्सक्राइबर के बाद आपको जो होता है लिंक, जैसे फेसबुक का लिंक हो गया, इंस्टाग्राम का लिंक हो गया, और किसी भी ट्विटर का लिंक हो गया, ये सब आप अपना डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। वो कैसे डालेंगे तो आपको क्रोम से जाके डालाता है, और क्रोम से कैसे डालाएगा और उसके लिए हम वीडियो बनाए हो तो आपको उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। देखिए, 100 सब्सक्राइबर पर आपको तीन चीज़ मिलता है। पहला, जो कस्टम URL जो है तो वो आप कर सकते हैं, अपना चैनल का जो URL YouTube देता है उसको हटा के कस्टम URL डाल सकते हैं, जो आपका चैनल का नाम है वो डाल सकते हैं। दूसरा, जो आपका जो इंस्टाग्राम का लिंक हुआ, ट्विटर का लिंक हुआ, फेसबुक का लिंक हुआ, जो भी हो उसमें आप जोड़ सकते हैं। वो कैसे जोड़ेंगे, कितना जो ना, आप 5 लिंक जोड़ सकते हैं, 5 के अलावा लिंक आप नहीं जोड़ सकते। वो कैसे जोड़ेंगे आपको हम पूरा बता देंगे ट्यूटोरियल के साथ, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, जाके आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। हम आपको उसमें बता रहे हैं, उसमें आपको हम लाइव करके दिखाएं, तो वो भी वीडियो आपको देख लेना है, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करें, उसमें पूरा लाइव दिखाएं। और देखिए, अब जो आपको आ जा रहा है, देखिए पहले क्या था, 1000 सब्सक्राइबर पर आपको कम्युनिटी टैब मिलता था, ठीक है। कम्युनिटी टैब जो पहले मिलता था, किसी को भी मिलता होगा, कैसे भी करके मिलता, तो 500 सब्सक्राइबर होने के बाद ही कम्युनिटी, पहले 1000 सब्सक्राइबर, लेकिन अब जो सॉरी अब आ गया 500 सब्सक्राइबर। जल्दी आपका 500 सब्सक्राइबर प्लस हो गया था, आपको कम्युनिटी टैब जो वो मिल जाता है। और वो कैसे मिलता है तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको जो 500 सब्सक्राइबर प्लस रहना चाहिए, ठीक है, और आपको फीडबैक देना पड़ता है यूट्यूब का। जब आप फीडबैक देंगे उसके बाद आपको कम्युनिटी टैब मिलता है, और फीडबैक का आप जैसे आप फीडबैक में देना कुछ नहीं पड़ता, यही देना जो मेरा यूट्यूब चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, मेरा यूट्यूब चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, तो कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल को कम्युनिटी टैग दे दिया जाए, या आपको जो मन में वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको लिख के फीडबैक दे देना है यूट्यूब को। और ये कैसे देना है तो इसमें आपको वो वीडियो बना के आपको बता देंगे, आपको फीडबैक आपको कैसे देना और कहाँ से देना है। उसके बाद आपका जो कम्युनिटी टैग चालू होता है, कम्युनिटी टैग चालू होने के बाद आप कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं। ये जो होता है आपको 500 होता है, मेन देखिए इसमें आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ आपको बता दें। सबसे पहले आपको फ़ायदा हो गया जो कस्टम थंबनेल, आप सॉरी क्या बोलते हैं, कस्टम URL लगा सकते हैं। दूसरा, जो आप लिंक विंक जो है वो शेयर कर सकते हैं, अपना इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जो भी उसमें डाल सकते हैं। और चौथा जो हो गया आपका जो यूट्यूब का जो ये होता है कम्युनिटी टैब, वो आप लगा सकते हैं। ये 500 सब्सक्राइबर, यानी 500 सब्सक्राइबर के बाद आपको इतना सारा मिलता है। अब लाइव स्ट्रीम जो होता है वो आपको 1 KB पे जाके शुरू होता है लाइव, जल्दी आप लाइव आके कोई भी चैट वैट करेंगे वो आपको 1 KB पे जाके शुरू होता है, 1 KB से पहले नहीं होता है। तो ये सब आप जल्दी, आपको ये इतना हो गया 500 सब्सक्राइबर हो गया, यदि आपको कम्युनिटी टैब नहीं मिला है तो आप कम्युनिटी टैब ले सकते हैं। हाँ, ध्यान में रखना, आपको कम्युनिटी टैब जो होता है आपको 1 हफ्ता में मिलता है, यानी एक जिस दिन आप फीडबैक देंगे उससे लेकर 1 हफ्ता के अंतर्गत आपको कम्युनिटी टैब इनेबल होता है, यानी 1 हफ्ता के अंदर आपका कम्युनिटी टैब चालू होता है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, 1 हफ्ता लगेगा आपको कम्युनिटी टैब चालू होने, उससे पहले आपको कम्युनिटी टैब नहीं चालू, तो इसलिए आपको कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना है। प्लस बता दें, जो आपको अभी तक आप एक नया यूट्यूबर हैं, जल्दी आपने अभी तक अपना एक यूट्यूब चैनल वेरीफाई नहीं किए हैं, यदि थंबनेल नहीं लगा पा रहे हैं तो उसको कहता है वेरीफाई करना, तो वेरीफाई आप कैसे करेंगे, ऑलरेडी उसका हम वीडियो बनाए, तो उसको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके अपना यूट्यूब चैनल वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही जाके आपका जो थंबनेल वो लगा पाएंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, मात्र 5 मिनट का वीडियो, आप 5 मिनट में आप सब कुछ सीख जाएंगे, यूट्यूब अकाउंट कैसे वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने ये आपको अति आवश्यक है सीखना, ये आप सीख जाते तो आपको अकाउंट वेरीफाई करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को भी आप कर सकते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान में रखिए वीडियो बनाना है।
प्लस बता दें, जो आपके लिए अभी तक 4 घंटे का वॉच टाइम और 21 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट किया तो मेरा वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और प्लस आपको मैं ये बता दें, जो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है यूट्यूब से रिलेटिव तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आप मैसेज करके या कहीं पर भी कुछ ईमेल या करके आप हम बताइए, हम आपको वो प्रॉब्लम का समाधान कोशिश करेंगे जहाँ से जहाँ तक तो हम निकाल सकते हैं। हाँ, आप एक यूट्यूबर है तो आपको वीडियो जल्दी वायरल नहीं हो रहा, आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो आपका यूट्यूब चैनल जो उसको कैटेगरी में रखना है, किस कैटेगरी में रखना है, कौन सा चैनल क्वालिटी हम उस पर वीडियो बनाए हैं तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, वो भी जाके देख सकते हैं। तभी जाकर आपका वीडियो जो है वो वायरल हो पाता है, उससे पहले आपका वीडियो वायरल नहीं हो पाता। जल्दी आप कैटेगरी सिलेक्टेड नहीं कर रहे तो आपको मोनेटाइज में भी दिक्कत होगा, प्लस आपका वीडियो वायरल भी नहीं होता। इसीलिए आपको कोई भी काम करने से पहले उसका पूरा जानकारी लेना चाहिए और उसका सेटलमेंट करके कोई भी काम करना चाहिए। तब तक ले चलते हैं, जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो में।